Hey guys, it's me Shan. कैसे हैं आप लोग? एंड आई एम बैक अगेन. कल एक वीडियो डाली थी बट आज मैं ब्राउज कर रहा था यूट्यूब, तो एक नया ट्रेलर का थंबनेल दिखा मुझे. एंड मैं शायद उस पर रिएक्शन रिव्यू बनाता नहीं है वीडियो, बट उसका थंबनेल इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आई वॉज लाइक दैट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, क्योंकि उसमें अ गाय इज़ लाइंग ऑन टॉप ऑफ अ बिग सैनिटरी पैड. तो इट्स इंटरेस्टिंग. इट्स अ टॉपिक जो काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं. एंड आई नो इट्स एज आई टोल्ड मै इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मूवी किसी पर्टिकुलर वुमेन या यू नो लेडीज़ फीमेल्स के लिए सेंटर्ड होती है. सो आई नो कि ये मूवी भी वैसे ही कुछ होने वाली है. आई एम स्पेकुलेटिंग फ्रॉम द थंबनेल दैट आई सॉ. सो इस मूवी का नाम है फुल्लू एंड साउंड्स फनी. तो देखते हैं क्या होता है. इट्स अ लॉन्ग ट्रेलर. इट्स 2 मिनट, मोर देन 2 मिनट्स लॉन्ग. सो पहले हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे. साउंड्स इंटरेस्टिंग. आई एम एक्साइटेड फॉर इट. सो लेट्स गो फॉर इट. फुल्लू ऑफिशियल ट्रेलर. अरे हम इस गांव को छोड़कर चले गए तो यहाँ की लेडीज लोग का ख्याल कौन रखेगा? शहर से हमारे लिए चीजें लाते हो, किसी से कोई पैसे भी नहीं लेते, ऐसे कब तक दिन गुजारोगे? अरे काय अपनी जिंदगी नष्ट कर रहा है? दिल्ली पंजाब जाके कुछ जरा रोजी रोटी कमाइए, हमको बहुत खुशी होगी. भैया इमा है का अनु खतरनाक दवाई है का? अरे काला चमकी में काहे देते हो? हर औरत इस्तेमाल करती है इसे. और हमरा घर में तो तीन तीन औरत है, वो लोग तो कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया. उनको लगता है कि ये पैड वगैरह का इस्तेमाल अमीर औरतों का चोचला है. आपके वक्त वो इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हम कल शहर जा रहे हैं. अच्छा जनानी रोग. अरे बेटा जो रोग है नहीं उसको रोग काहे बोल देता? हम पे काका बीतती कुछ खबर रही आपको? भगवान ने औरत जात को कितना परीक्षा देने वाला प्राणी बनाया. देखिए सब तुम्हारा भलाई का खातिर है. तो इतना बिगड़ गया सब जाकर? ऐसी चित कीजिए काका. अरे इसे गांव से. हमको काम चाहिए, वो भी सिर्फ पैड बनाने वाला कारखाना में. गांव जाओ यार अपने. जो औरत का दर्द नहीं समझता भगवान के मर्द नहीं समझता. तुम्हारा नाम फुल्लू है? एकदम शक्ल पे गया है तुम्हारा नाम. ऑलराइट, आई वुड लाइक टू से बहुत ही इंटेंस ट्रेलर था. कितना टाबू बना रखा है इस चीज़ को. पीपल आर लाइक यू नो, जैसा उसने बोला मेडिकल स्टोर वाले से कि ऐसे पन्नी वाले पेट के क्यों देते हो? इवन इट्स सो कॉमन, एवरी गर्ल यूज इट. इट्स जस्ट अ सैनिटरी पैड. आई मीन व्हाट्स द इशू? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट. बस इसमें लिखा है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज. सो आई एम लाइक really looking forward to it. सबसे पहले बात करते हैं एक्टर्स की, जिसमें मेन लीड दिखाया है. ही वॉज एस आर केज फ्रेंड इन जब तक है जान. वेरी गुड एक्टर एंड इसकी खुद की फिल्म आई थी एज द मेन लीड. फिल्म का नाम था फिल्मिस्तान. अगर आप लोगों ने नहीं देखी प्लीज़ गो वॉच इट, फिल्मिस्तान, जिसमें एक इंडियन किस तरह पाकिस्तान चला जाता है एंड वॉट हैपन्स वैन स्ट्रगलिंग एक्टर गोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान मिस्टेकनली. सो इट्स हिलेरियस एंड अ गुड मैसेज टू प्लीज़ वॉच फिल्मिस्तान गाइस. इट्स रियली नाइस. सो दिस एक्टर इज रियली अमेजिंग. जो इसमें इसकी मदर बनी है शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग. एक मैंने मूवी देखी थी, आप सबने देखी होगी, सुपरहिट मूवी पीकू, जिसमें इरफान खान का रोल बहुत अच्छा था. उसमें सिर्फ एक सीन होता है जिसमें इरफान खान की मदर दिखाती हैं और इरफान खान उसकी मदर में नोकझोंक वाली होती है. सो दैट मदर जो एक्ट्रेस है शी इज़ द सेम एक्ट्रेस जो इसमें इसकी मदर बनी है. सो आई एम इंटरेस्टिंग. दैट्स इट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू मी. ऑल द स्टार कास्ट एंड एवरीथिंग.
जो इसमें दूसरा आदमी बना है साथ में, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, वो भी काफ़ी मूवीज में आता है, एयरलिफ्ट में था अक्षय कुमार के साथ, फिल्मिस्तान में भी वो था इसके इस एक्टर के अपोजिट. सो आई सी यू नो वेरी फेमिलियर फेसेस एंड आई नो कि ये सारे वैसे एक्टर्स हैं जो ज़्यादातर लो बजट मूवीज़ में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिल्मिस्तान या मसान एंड मैनी मोर जो मूवीज़ हैं, लाइक दे आर बंच, ओके दे आर बंच ऑफ लो बजट मूवीज एंड जिसमें काफ़ी अच्छे एक्टर्स होते हैं, यू नो दीज एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव एंड ऑल दीज पीपल, दे आर रियली टैलेंटेड पीपल. भले ये क्रिटिकल एक्लेम नहीं देते हैं, करोड़ों नहीं कमाते हैं बाकी एक्टर्स की तरह, लेकिन दे हैव द रियल टैलेंट एंड इट मेक्स मी रियली हैप्पी. इरफान खान, सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू नो रियली कूडोस टू द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स जिन्होंने ये उस मूवी को बनाने के लिए सोचा. It's really amazing. I'm just, you know, looking at this effort. He's actually understanding the problem of the ladies in the, you know, village area. कि कोई शहर जाके उनके लिए वो सब चीज़ें ला रहा है जो उन्हें वहाँ नहीं मिल पाती हैं. And it's like so bizarre to even think that लोग कह रहे हैं कि अरे पैड वैड इस्तेमाल करना तो अमीर औरतों के काम होते हैं. I mean, wow, यार, it's heartbreaking, seriously. And he's making his own, you know, homemade sanitary pads ताकि गांव की औरतों को problem ना हो. I mean, this is based on a true story. So जिसने भी वो किया है, whoever that real person is, I'll after this video I'm gonna search about that person. But जो भी वो है अभी person, I don't know your name, but I salute you. You did an amazing work and I don't know. I'm very speechless. I'm feeling really heavy in my chest क्योंकि ये बहुत interesting था. And this is going to be one hell of a movie, I must say. Alright guys, tell me aapko ye trailer kaisa laga, and if you guys really enjoyed my video and if you guys want to see more, please subscribe ke sath ek chota sa bell icon hai, us pe click kariye taki aapko notification aa jaye jab bhi meri new video drop hogi. And if you guys want have any suggestions or request, you can follow me on my FB page and Instagram and Snapchat, and that's pretty much it. I'll see you guys soon with another video. Bye bye.